हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पटेल और आप देख रहे हैं यूनिक वेल एंड मेक योरसेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग? आज का वीडियो थोड़ा इसी फॉर्म में जाएगा, यानी ब्लॉगिंग फॉर्म में ही चला जाएगा, क्योंकि उसका रीजन ये है कि थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी फॉर्म में वीडियो बनाऊं, एटलीस्ट वीडियो तो पहुंचेगा आप लोगों तक। तो दोस्तों, आप सबका एक क्वेश्चन था जो कि इंस्टाग्राम पे आ रहा था। क्वेश्चन ये था कि सर आप मुझे ये बताइए कि अगर हम व्यायाम करते हैं या फिर व्यायाम सीखते हैं तो वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप यानी छोटा सा भी कुछ भी, अगर उद्योग स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी छोटा सा भी पार्ट टाइम भी जॉब स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है व्यायाम। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि देखिए, हर किसी को, अब आप खुद भी देख रहे होंगे, मैं खुद भी प्रोजेक्ट्स ही करता हूँ और उसकी बदौलत ही और शायद आप लोग की दुआओं की वजह से ही बिजी रहता हूँ अपने काम को लेके। और उसका एक रीज़न क्या है, व्यायाम कैसे हेल्पफुल है हमारे साथ, मैं ऐसे ही बात करूँगा क्योंकि अभी मेरे पास ग्रीन स्क्रीन है बट बनाने में, एडिट करने में समझ आता है। तो व्यायाम जो होता है वो क्यों हेल्पफुल है, हेल्पफुल होने का रीज़न क्या है, क्योंकि उसके अंदर आप सीख पाते हो कि किस तरीके से 3D मॉडल क्रिएट करेंगे। आज के टाइम में हर किसी को लगता है कि मेरा घर कैसा बनने वाला है दिख जाए, कैसा बनने वाला है दिख जाए। अगर दिख जाता है तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि यार चलो अपने को पता है कि पैसा कहाँ लगाने वाले हैं। तो घर बैठ के पार्ट टाइम आप कॉन्टेक्ट्स निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ आर्किटेक्ट्स। उसके अलग अलग मेथड है कि अगर आप कुछ आर्किटेक्ट को कुछ फ्री काम करके देते हो और बहुत अच्छे तरीके से देते हो तो आर्किटेक्ट हमेशा के लिए आपसे जुड़ जाते हैं, वहाँ से आप काम निकाल सकते हो। दूसरी चीज़, आप सोशल मीडिया पे आप अच्छे अच्छे अगर क्रिएट्स करते हो अपने 3D उसको डालते हो तो लोगों को लगेगा यार कुछ अलग है बंदे के पास, और सबको अपना घर तो बनवाना होता है तो लोग आपका नाम धीरे धीरे रिफ़र करने लगेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इतना रिफ़र कर देंगे कि आप थक जाओगे बनाते बनाते। तो भी आइए, वहाँ पर भी हेल्पफुल है। और BIM कोर्स इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि आप रेविट के थ्रू एस्टिमेशन निकाल के एग्जैक्ट बता सकते हैं सामने वाले को, भाई तुम्हारी ब्रिक कितनी तुमको मंगवानी पड़ेगी, सीमेंट कितना, सैंड कितना, स्टील कितना। वो बोलेगा वाह यार क्या बात है, बहुत अच्छा है, तो मतलब उसके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। प्लस अगर आपको साइट पर नहीं जा रहे हो क्योंकि आप तो ऑफिशियल जॉब कर रहे हो, और अगर आपने 3D में डिटेलिंग करके दे दी तो क्या होता है कि सामने वाला जो साइट पर लड़का खड़ा है वो देख लेता है कि अच्छा 3D डिटेलिंग है, ऐसे स्टील लगाना है क्या, आइसोलेटेड फुटिंग में, ऐसे कंबाइंड में लगाना है क्या, तो 3D में देख के फटाफट प्रोवाइड कर लेता है। आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप बस लैपटॉप पे उसको सही तरीके से करके भेज देते हो, ठीक है जी। तो वहाँ पर भी BIM आपको हेल्पफुल हो जाता है, और ये काम आप अपने लेवल पे जॉब के साथ या फिर आप अगर एंटरप्रेन्योरशिप यानी अपनी खुद की कंपनी खोल रहे तो वहाँ पर भी ये चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद भी करता हूँ। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, मैं स्केचअप आपको सिखा रहा हूँ BIM कोर्स में, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि स्केचअप जो है सॉफ्टवेयर है वो 3D बहुत ही खतरनाक बना देता है। उसके मटेरियल जो है बहुत अच्छे रहते हैं, उसके खतरनाक मतलब गलत वर्ड में मत लेना, खतरनाक मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल बना देता है, और उसका रेंडर बहुत अच्छा रहता है क्योंकि उसमें वीरे की रेंडरिंग हो जाती है। मटेरियल भी नो डाउट बहुत ही अच्छा रहता है। साथ ही साथ दोस्तों, उसमें मैं नेविसवर्क सिखा रहा हूँ, जो कि आपको बड़ी कंपनियों से उसके प्रोजेक्ट्स अगर मिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि नेविसवर्क क्या करता है कि वो टाइम के साथ एनिमेट मतलब वॉक थ्रू, एक अलग लेवल वाला वॉक थ्रू क्रिएट करके दे देता है। उसके अंदर 3 वॉक थ्रू का अलग अलग मेथड है, जैसे कि एनिमेशन करके भी देख सकते हो कि आप डोर अंदर जा रहे हो, डोर खुल जाए ऑटोमेटिक, फिर आप अंदर जाओ, फिर जैसे आप अंदर जाओ डोर खुल के बंद हो जाए, तो ये सब कहाँ कर सकते हो आप, ये सब नेविसवर के अंदर ही पॉसिबल है। जनवरी मंथ में कितना वॉल कंप्लीट होगा, फेब में कितना कंप्लीट होगा, ये सब कुछ आप नेविसवर में देख सकते हो। इसके साथ दोस्तों, हम लोग BIM कोर्स में सिखा रहे हैं तो क्या बोलते हैं, रैबिट MEP मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग्स। उसमें क्या होता है, हम डक्टिंग किस तरीके से लगाएंगे, डक्टिंग रेक्टेंगुलर लगाएं कि राउंड लगाएं, तो उसके टाइप्स कौन कौन से रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है। उसमें कितना प्रेशर, जब डक्टिंग स्टार्ट होती है तो उसमें हेड लॉस होता है, कहाँ पर कितना हेड लॉस हो रहा है, हेड लॉस को बचाने के लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग विद द हेल्प ऑफ रैबिट MEP बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था ओवरऑल अबाउट कि कैसे हम अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करें, और ये हम इसी तरीके से हमने कोर्स कंटेंट तैयार किया है सो दैट कि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ यार, अगर हम 3D मॉडल किसी को करके दे सकते हैं, किसी को 2D बना के दे सकते हैं, ये सब कुछ मैं सिखाने वाला हूँ, और रैबिट में ही आजकल 2D बन जाती है, तो रैबिट में 2D बना लीजिए, और उसी में रेरा के रूल्स पढ़ाऊंगा, उसी में बिल्डिंग बाय लॉ सिखाऊंगा, उसी में आपको सारा स्टैंडर्ड गाइडलाइंस मिल जाएगा कि भाई कैसे कैसे बना के देना है, फिर प्रॉब्लम कहाँ पे रहे।
अगर हमने एक छोटा सा भी डिज़ाइन का ऑफिस खोला है जिसमें हमने ये दिखाया कि भाई हम 2D मॉडल बना के दे देंगे, 3D बना के दे देंगे, हमें पता है कि प्लान सेशन कैसे होगा, क्यों? क्योंकि उसके सारे मेथड में आपको बता दूंगा कि भाई इतनी मार्जिन छोड़नी पड़ती है, इतना FSI निकालना पड़ता है, वो सब कुछ हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। और साथ ही साथ बीम और कॉलम में कैसे डिटेलिंग लगानी है, रेनफोर्समेंट कैसे लगाना है, ट्रस मॉडल कैसे कैसे क्रिएट करना है, राफ्टर वगैरह कैसे लगाना है, वो सब कुछ भी हम लोग देखेंगे इसके अंदर। MEP बताई दिया मैंने, स्केचअप बताई दिया। तो अगर ये सारा काम का हम लोग एक अगर ऑफिस खोलते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप का एक स्टार्टअप हो सकता है आपका। और सबसे बड़ी बात, आप खुद के बॉस हो सकते हैं। देखिए, मैं इस समय खुद का बॉस हूँ, मुझे कुछ भी टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ठीक है, वहाँ से भी पैसे आते हैं क्योंकि घर से ही काम करके देना है। और साथ ही साथ आपको डिज़ाइन के लिए बहुत ढेर सारी साइटें हैं। हाँ, ये नहीं कहूँगा कि मैं कि तुरंत ही आप करोड़पति बन जाओगे, कभी नहीं, ठीक है, तुरंत कोई करोड़पति नहीं होता, बहुत मेहनत करना पड़ता है। और उसके लिए आपको स्टार्ट हो सकता है 10,000 से करना पड़े, 5,000 से, 15,000 से, बट धीरे धीरे ज़रूर आप 50-60-55 आराम से कमा सकते हैं इसके अंदर। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप में हेल्पफुल हो सकता है, कैसे आप अपना साइड बाई साइड पॉकेट मनी निकाल सकते हैं अगर आप कॉलेज में हैं या फिर जॉब में है तो सैलरी का पैसा खर्च ना हो, इसका क्या टेक्निक लगाएं, तो इसमें भी आपको हेल्पफुल हो सकता है। मैं तो यही करता था और अभी भी वही करता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि सैलरी के पैसे को खर्च ना करना पड़े, कुछ ऐसा करूँ उतने में ही काम हो जाए। डेफिनेटली थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हो जाता है। मिलता है उसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हो वीडियो अच्छी लगी होगी। ये मेरा क्या बोलते हैं इनफॉर्मल वीडियो हो गया क्योंकि मैं इधर बैठा था, मुझे लगा यार मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, सारे बच्चे वेट कर रहे होंगे, तो फिर दिमाग में आया कि ठीक है ना, सब अपने ही तो हैं, तो ऐसे ही कैमरा ऑन कर लिया और फटाफट बता दिया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्ट। और हाँ, वो जो मैंने आप लोगों ने बोला था कि स्टूडियो का सर टूर दीजिए, मतलब अपने ऑफिस का टूर दीजिए और अपना बेडरूम का भी टूर दीजिए, मतलब घर का टूर मांगा था, बट अभी मैंने किचन और हॉल का नहीं दिया है, आकाश पांडे ब्लॉग वाले चैनल पे मैंने उसको भेज दिया है, आप जाके देख लीजिएगा और अच्छा लगेगा तो थोड़ा सा उसको दम 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 कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।